इन दिनों खाकी के दामन को दागदार करने वाला एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भागलपुर के बाखरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में चार पांच पुलिस जवान एक युवक को पकड़ने के साथ पुलिस गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस अमानवीय तरीके से युवक के साथ पेश आ रही है और लात घूसों से उसकी जमकर पिटाई कर रही है। युवक कराह रहा है और बगल में एक बुजुर्ग महिला पुलिस वालों से गुहार भी लगा रही है, लेकिन पुलिस वाले उस महिला को वहां से हट जाने को कह रहे हैं। युवक की बेदर्दी से पिटाई की जाती है। पुलिस द्वारा पिटाई किए जा रहे युवक का नाम बाखरपुर के रहने वाले नीरज यादव बताया जा रहा है और लोगों ने दबी जुबान में बताया कि गांव में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा था, जहां संवेदक के द्वारा सड़क की ढलाई में घोर अनियमितता बरती जा रही थी, जिसका विरोध नीरज ने किया था, जिसके बाद संवेदक ने उसके खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए बाखरपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस नीरज के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगी। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह बाखरपुर ओपी प्रभारी बिजेंद्र पासवान और दरोगा लाल सिंह के साथ पुलिस के जवान नीरज के साथ अमानवीय तरीके से पेश आ रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा क्षेत्र के गंगा नदी में जमुनिया धारा में स्नान करने के दौरान एक 15 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके वारदात पर पहुंची। एसडीआरएफ के कमांडेंट गणेश जी ओझा और उनके सहयोगियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद सबको गंगा नदी से निकाला गया। मृतक की पहचान जगदीशपुर के सतघड़ा निवासी निरंजन मंडल के पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई है, जो अपने रिश्तेदार के घर शंकरपुर दियारा आया हुआ था और गंगा स्नान करने के दौरान पांव फिसलने से गंगा की तेज धार की चपेट में आकर डूब गया। मतलब स्नान करते हुए लड़का डूब गया था। क्या उम्र होगी लड़के की? वही 14-15। क्या नाम है लड़के का? लड़के का उस पिताजी नाम बताए, यहाँ का लड़का नहीं है, वो दूसरे जगह का है। बिहार के कटिहार में एक बार फिर भीड़ ने पुलिस महकमे को निशाना बनाया है। फायरिंग की सूचना पर पहुंची कदवा थाना पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह समेत 3 गश्ती वाहनों से आई पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा ही नहीं गया, बल्कि पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर डाला गया। आक्रोशित भीड़ के बीच फंसे सब इंस्पेक्टर विजय सिंह के साथ भीड़ ने बदसलूकी ही नहीं की, उनकी जमकर पिटाई भी की गई। मामला कदवा थाना क्षेत्र के श्यामगढ़ हाट में देर रात देखी गई। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बताई जाती है। वारदात आपसी विवाद में हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जहां एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई थी। फायरिंग में बरामद 3 खोखे के बावजूद पुलिस की टीम आरोपी को मौके से भगा दिया। विवाद में हुई फायरिंग के बाद दहशत में छुप कर जान बचा रहे लोगों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करना चाहती थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। कदवा थाना अंतर्गत सोनैली सुक्कर हटिया में कल एक अतिक्रमण हटाया गया था, जिस क्रम में संध्या में विवाद हो गया और बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि एक युवक द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। इस सिलसिले में पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस के गश्ती दल के पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाँच शुरू की। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस के खिलाफ ही लोगों को भड़काकर और पुलिस का घेराव किया गया तथा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार की गई और एक गाड़ी को भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बारसोई के नेतृत्व में अतिरिक्त बल वहां पहुंची और फिर रेस्क्यू किया गया सभी लोगों को और मामले को देखा गया। इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट को नया बिल्डिंग मिल गया। MBA कैंपस में नए बिल्डिंग का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने फीता काटकर और आसमान में गुब्बारा उड़ाकर करते हुए नए भवन को डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन में अब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मौके पर कुलपति ने कहा कि MBA के पुराने भवन में विद्यार्थियों को पठन पाठन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए नए भवन का निर्माण कराया गया है।
लगातार हो रहे पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ राजद के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल किए जाने की घोषणा की गई। राजद के नाथनगर से विधायक अली असरफ सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 जुलाई 19 जुलाई को पेट्रोल डीजल और गैस के मूल्यों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के विरोध में राजद द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हालांकि विधायक ने कहा कि इस दौरान जबरदस्ती किसी भी दुकान को बंद नहीं करवाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान राजद के प्रदेश महासचिव डॉ. त्रिपतिनाथ यादव, युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर कुशवाहा, राजद महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नीसू सिंह, राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अजय कुमार चौधरी, चंद्रवंशी कुमार सहित राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के जरदालू आम का स्वाद हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई विशिष्ट लोग चखते हैं। इस बार यहां के जरदालू आम की पहली कॉमर्शियल खेप इंग्लैंड भेजी गई थी, जिसका स्वाद वहां के लोगों ने चखा और भारतीय उच्चायुक्त को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने जरदालू आम के स्वाद की सराहना की है। साथ ही आने वाले साल में बड़ी मात्रा में भागलपुर के जरदालू आम को भेजे जाने की मांग भी की है। हम आपको बता दें, 14 जून को जरदालू आम की खेप इंग्लैंड भेजी गई थी। भागलपुर के किसान कृष्णानंदन के बगीचे से आम भेजे गए थे, जिसकी पैकिंग लखनऊ में हुई थी। किसान कृष्णनंदन ने कहा कि अपने बगीचे में उगाए गए जरदालू आम को इंग्लैंड भेजने का सोचा था। अपने खुद के रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण वैशाली के किसान के माध्यम से आम को भेजा गया था। काफी अच्छा लग रहा है कि लंदन के लोगों ने इसकी सराहना की है। ये पिछले 2010 में हमने एक ये पेड़ लगाया था। पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक खेती मैं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक में इसको कन्वर्ट किया। एक एक्सपोर्टर से हमारी बातचीत हुई, जो कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो जो भी विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे बात हुई तो आए, उनके 2 प्रतिनिधि आए और उन्होंने जो जैसा जैसा बताया, हमारे आम के आम को तोड़ करके उन्होंने टेस्ट किया तो बताया कि अभी नहीं, 4-5 दिन के बाद ये मैच्योरिटी स्टेज में होगा, ये भेजने के लायक होगा। तो फिर इस बीच में हमने अपने जरदालू आम का कलकत्ता भेज करके इसको पेस्टिसाइड टेस्ट करवाया कि कितना परसेंट टेस्ट है इसमें। तो वहाँ से आने के बाद तब इसको हमने एक्सपोर्ट किया, 1 टन आम का एक्सपोर्ट हमने इंग्लैंड किया। वहाँ के लोग बहुत इसके इंग्लैंड इसके जरदालू आम का स्वाद जो चखे, तो बहुत लोगों ने इसको सराहा, इस आम के स्वाद को। अगले साल भी लोग इसकी अपेक्षा रख रहे हैं कि मिले। रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गए बेगूसराय के भूअर्जन कार्यालय के नाजिर मनोज रंजन चौधरी और अमीन रामचंद्र पासवान को भागलपुर कोर्ट परिसर स्थित निगरानी विभाग के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विजिलेंस विभाग के DSP प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि बेगूसराय में बन रहे NH में स्थानीय किसान कौशल किशोर सिंह का जमीन जिला प्रशासन के द्वारा अधिग्रहण किया गया था, जिसके एवज में सरकार के द्वारा तय मुआवजा राशि दी जानी थी, लेकिन बार बार भूअर्जन विभाग का चक्कर काटने के बावजूद उसे राशि नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद भूअर्जन विभाग के नाजिर और अमीन ने कौशल किशोर सिंह से 25,000 रुपये मुआवजा के एवज में नजराना मांगा, जिसके बाद किसान ने घूस मांगे जाने की शिकायत 12 जुलाई को पटना विजिलेंस की टीम को किया। विजिलेंस की टीम ने शिकायत का सत्यापन करते हुए 16 जुलाई को बेगूसराय भूअर्जन कार्यालय के नाजिर मनोज रंजन चौधरी और अमीन रामचंद्र पासवान को 25,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा, जिसके बाद दोनों को निगरानी की टीम पूछताछ के लिए पटना ले गई, जिसके बाद आज भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी विभाग के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों घूसखोर अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। पीरपैंती प्रखंड के प्यालापुर चौक से नंदलालपुर होते हुए कहलगांव जाने वाली बादशाही सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। अभी बरसात का महीना आना बाकी है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पहली बरसात के बाद ही रोड की हालत जर्जर हो चुकी है। आज एक ट्रैक्टर गड्ढे में फंस गया, तभी बगल से निकलने के चक्कर में एक टेम्पू भी फंस गया। टेम्पू पर सवार सभी यात्री व चालक सहित आसपास के लोगों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद किसी तरह टेम्पू को निकाला गया। करीब 2 घंटे तक रोड जाम रहा। आए दिन इस तरह की तस्वीरें यहां देखने को मिलती रहती है। सड़क के दोनों किनारे घनी आबादी का भी बसेरा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में लोग जनप्रतिनिधियों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। यहाँ के लोकल नागरिकों ने बताया कि आए दिन सड़क की यही स्थिति हो जाती है। सड़क बनने में तो समय लगता है, पर टूटने में नहीं। जब से बरसात शुरू हुई है, तब से रोड की स्थिति और भी नाजुक हो गई है। अब यहाँ के लोग पीरपैंती के विधायक और भागलपुर के सांसद को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी समस्या का कब तक समाधान होता है। जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में डाट बाट स्थित लाजपत नगर झोपड़पट्टी के जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर के सौजन्य से
कोरोना का टीकाकरण किया गया। इस मोहल्ले में जीवन जागृति सोसाइटी की टीम ने टीकाकरण की स्थिति का जायजा 5 दिन पूर्व में लिया था। कुछ लोगों ने तो कोरोना का टीका लिया था, लेकिन ज्यादातर लोग टीके के लिए भ्रम की स्थिति में थे। कई तरह के सवाल और भ्रांतियां उनके मन में थी। उनमें से कई लोग टीका नहीं लेना चाहते थे। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण के फायदे को बताया और कहा कि ऐसे ही टीका से पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई और टिटनेस, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया अब दिखती नहीं है। साथ ही कई अन्य बीमारियां टीके की बदौलत अत्यंत कम हो रही है। इसलिए कोरोना का टीका ही है जो कोरोना को जड़ से मिटाएगा। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि पढ़े लिखे लोग तो स्वतः टीकाकरण के लिए आगे आते हैं, लेकिन सरकार को एवं अन्य सहायता समूह को चाहिए कि ऐसे मोहल्ले को फोकस करके वहां पर जागरूकता अभियान चलाकर पहले कोरोना टीका के प्रति लोगों में व्याप्त भय को समाप्त करें, फिर टीकाकरण का कैंप लगाया जाए तो टीकाकरण की सफलता ज्यादा होगी। टीकाकरण शिविर में 100 लोगों ने टीके लिए, जिसमें बूढ़े, ब्लड प्रेशर के मरीज, हृदय रोग के मरीज एवं प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। मौके पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के अलावे डॉक्टर अभिनव कोषाध्यक्ष राकेश माही, कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह, एनपी सिंह, मृत्युंजय कुमार सिंह, रूपेश एवं अखिलेश सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम कोरोना टीकाकरण को लेकर था। डाक पार्ट स्थित लाजपत पार्क के झोपड़पट्टी में, और उसमें जिला स्वास्थ्य समिति के सौजन्य से जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था। ये ऐसी जगह है जहाँ शिक्षा का अभाव है और ऐसे में कोरोना के टीका के प्रति कई भ्रांतियाँ वहाँ व्याप्त हैं। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और पहले हम लोग जाकर घर घर उसको समझाया टीकाकरण के फायदे को और बताया कि किस तरह से पूर्व में भी पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियाँ खत्म हो चुकी हैं, टिटनेस, डिप्थीरिया, गलाघोंटू जिसको कहते हैं, इत्यादि कई बीमारियाँ अब दिखती रही हैं और कई बीमारी कंट्रोल में हैं। और यदि आप टीका नहीं लेते हैं तो आप बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। और हम लोग, पूरा देश, पूरा बिहार, हम लोग उबर नहीं पाएंगे कोरोना से। तो इसको जड़ से मिटाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ कोरोना का टीका ही है। जगदीशपुर थाना प्रांगण में बकरीद पर एवं महंगाई के खिलाफ राजद के धरने प्रदर्शन को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष विपिन बिहारी ने आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों एवं लोगों से कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित रखना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है और कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय वारदात होती है तो थाने के नंबर पर तुरंत सूचित करें, पुलिस एक्शन लेगी। राजद के राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन को लेकर बैठक में स्पष्ट कहा गया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत धरना प्रदर्शन एवं किसी भी तरह की रुकावट करने जैसी बातों की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद के मद्देनजर भी कहा गया कि लोग अपने अपने घरों में शांतिप्रिय ढंग से त्यौहार मनाए, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना परिसर में शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान थाना प्रभारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपसी भाईचारा एवं कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बकरीद पर्व मनाए जाने का जोर दिया। भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड के कजरैली थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात एएसपी पूरन झा के आदेश पर छापेमारी के दौरान अवैध बालू लदे 6 ट्रक को जब्त किया है। जब ट्रक की जांच की जा रही है, वहीं पुलिस को देख माफिया भाग निकले। हालांकि पुलिस ने अवैध बालू लदे 4 ट्रक को जब्त कर लिया है और 2 युवक जो थाना एवं माइनिंग के नाम पर अवैध पैसे की वसूली कर रहे थे, उसे भी पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान मोहद्दीपुर निवासी सुनील कुमार सिंह एवं कमलपुर निवासी विपिन कुमार सिंह के रूप में हुई है। सभी ट्रकों के चालक फरार हो गए हैं। कजरली थाना प्रभारी प्रशिक्षु डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि जब्त किए गए 4 ट्रक एवं मालिकों पर केस किया जा रहा है।